मशहूर सोनपुर मेले में बुधवार को पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सोनपुर मेला में वन पर्यावरण विभाग की तरफ से लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी स्टॉल का उद्घाटन करने के बाद तेज प्रताप यादव सोनपुर मेला घूमते हुए नजर आए। तेज प्रताप यादव के पैरों में चोट लगी है, इसलिए वो थोड़ी तकलीफ के साथ चल रहे थे। हालांकि उन्होंने खुद बताया कि पैर में मोच है, चिंता की कोई बात नहीं है। तेज प्रताप यादव ने इस मेले की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। इसी बीच बात जब राजनीति की हुई तो अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेज प्रताप का कहना था कि जब चुनाव होता है तभी आते हैं। अमित शाह जी आए थे पटना, इसका क्या असर था आपके साथ? कोई असर नहीं है, वो आए थे अपना काम से, आया था केंद्रीय बैठक में। क्या अमित शाह जब आए थे तो क्या बिहार के विकास के लिए कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे? बिहार के विकास के लिए देना चाहिए सभी लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए। क्या चुनाव आने वाला है? हाँ तो चुनाव होता तभी तो आते हैं ना, कोई किसी को पूछता जब चुनाव होता। साथ ही तेज प्रताप यादव ने एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं और यादवों को सम्मान मिलना अच्छी बात है। यादवों को जी भगवान कृष्ण से तुलना किया जाता है क्योंकि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं जी। मान सम्मान यादवों को मिल रहा है तो अच्छी बात है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 25 नवंबर को किया था और ये मेला 26 दिसंबर तक चलेगा। सोनपुर मेले में दर्जनों सरकारी गैर सरकारी प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। अलग अलग राज्यों से रोजाना हजारों लोग मेला देखने पहुंच रहे हैं।